अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव घुमौट के अंदर। मेरे बैकग्राउंड में आपको जो है वो एक खूबसूरती नज़र आ रही होगी। किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा है कि दुनिया में अगर जन्नत देखनी हो तो वो कश्मीर को देख लें, तो आपके जहन में जो वो जन्नत का तसव्वुर आता रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको मैं अपने गाँव के बारे में तफसीलन बताऊँगा और गाँव के रहन सहन के बारे में बताऊँगा, गाँव के लोगों से भी मुलाकात करवाऊँगा और यहाँ के घर भी दिखाऊँगा। सबने सुना होगा और अखरोट के फवाइद जो है ना वो सबको पता है, और अगर जिसको नहीं पता वो इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। अखरोट जो है वो कश्मीर की सौगात है, और ये मेरे सामने अखरोट का दरख्त है, इसके अखरोट लगे हुए भी हैं। और ये देखें, ये कैमरा मैंने अगर करीब करके दिखाया, ये अखरोट देखें माशाल्लाह, ये पूरा दरख्त भरा हुआ है। और अखरोट के फवाइद तो बहुत सारे हैं और इसके दरख्त के भी फ़ायदे हैं। इसके दरख्त का जो पत्ता है उससे मिसवाक भी की जाती है, और इसका जो छिलका है अखरोट के दरख्त का जो छिलका है उसकी भी मिसवाक बनती है, और जो दांतों में कीड़ा लगता है अखरोट के दरख्त की मिसवाक से वो दांतों का कीड़ा भी ख़त्म होता है और मुंह से जो बदबू आती है वो भी ख़त्म होती है, और दांत बिल्कुल साफ़ शफाफ चमकदार होते हैं। अच्छा, इस दरख्त की जो है उम्र
15 से 16 साल की उम्र है दरख्त की, और इसके ऊपर कम और पेश कोई 1.5 मन के करीब अखरोट लगी हुई, 1.5 मन के करीब, और इससे कई पुराने दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं जिस पे 4-4, 5-5 मन जो है अखरोट लगते हैं। दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है, इतना गरूर कैसा, क्या मुफ्त दे दिया है, इतना गरूर कैसा, क्या मुफ्त दे दिया है। I'm not afraid to die।